does not exist. Take a chance when the world before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. क्या हाल चाल है भाई लोगों के, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम प्रतीक, स्वागत करता हूँ आप लोगों का बर्गर राइडर चैनल पे। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मथुरा आ चुका हूँ और हम देने वाले हैं सरप्राइज़ मेरी मौसी को। ये लाइन में थोड़ा धीरे से बोलूँगा क्योंकि मैंने मौसी को पिकअप कर लिया है उनके कॉलेज से। टीचर है वैसे वो, ये मत सोचना कि वो पढ़ती है, नहीं नहीं, शी इज़ अ टीचर बेसिकली। तो अभी मैं उनको लेके जा रहा हूँ होंडा शोरूम। उनको मैंने ये बोला है कि भाई वहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है, इस टाइप से करके। उनको नहीं पता कि हम लोग होंडा शोरूम क्यों जा रहे हैं बेसिकली। तो मिलते हैं वहाँ पे होंडा शोरूम में। यहाँ पे क्या लाया? अरे कुछ काम है यहाँ पे, थोड़ा सा थोड़ा सा काम है यहाँ पे। नाना नानी भी आ रखे, वो कुछ काम है यहाँ पे मेरे को। अरे मेरे को बोल रहा था नई बाइक लेनी है मेरे को यूट्यूब के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो भाई मौसी को हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं, मौसी को हम यहाँ पे ला चुके हैं। इन्हें पता नहीं कि यहाँ पे क्यों आए, मेरे को बोला है कि मुझे नई बाइक लेनी है, इसके लिए आए हैं। देखो सामने नाना नानी बैठे हैं, बढ़िया चाय की चस्की ले रहे हैं। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं होंडा के शोरूम में और अभी हमने मौसी को बताया नहीं है, ठीक है, ये आपका मेरा सीक्रेट है। कौन सी बाइक लूँ फिर मैं? इतनी देर हो गई, इतनी देर से बैठा रखा, कुछ तो फाइनल कर क्या करना है। मैं ये वाली बाइक लेने की सोच रहा हूँ, ये वाली, ये ले लूँ? नहीं तेरी KTM बढ़िया है, पहले उसे तो चला ले। अच्छा कैसे, ये कह रही है कि KTM ज़्यादा बढ़िया है। आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या? देख लो कुछ पसंद आ रहा हो आपको। एक्टिवा पुरानी नहीं, देख लो ना कोई स्कूटी पसंद आ रही हो। तो मतलब बताते हैं, टाइम आ गया कि हम सरप्राइज को डिस्क्लोज कर दें इनके सामने। तो भाई ऐसा है, हम यहाँ पे बाइक लेने नहीं आए, तो हम आपके लिए स्कूटी लेने के लिए आए। समझ आया? आपसे क्यों नहीं बता रहा था, मुझे कह रहा था कि बाइक लेनी है। नाना नानी ने ये तो प्लान किया था कि सरप्राइज ही होगा कि मैं आऊंगा गुड़गांव से, इनको इनके कॉलेज से पिकअप करूंगा और इनको सीधा यहाँ पे लेकर के आऊंगा। मजा आ गया, मजा आ गया। तो अभी हाँ एक्टिवा पसंद है, अब कलर इसकी चॉइस का है। बताओ कौन सा कलर चूज करा आपने? देखते हैं, देखते हैं, चलो देखते हैं कौन सा लिए। चलो भाई पहले चल के कलर देखते हैं कि इन्होंने कौन सा कलर चूज किया है, उसके बाद पता लगाते हैं, ठीक है। ये तो ड्यू है, ये वाला कलर, ये सब मजा नहीं आ रहा है, ये सब मजा नहीं आ रहा। अच्छा और कौन सा? आप तो बाइक ले लो ये वाली, ये के ब्लू कलर है, ये थोड़ा कॉमन हो गया, ये वाला ब्लू, ये ब्लू वाला, ये भी कॉमन हो गया, ये बिल्कुल मेरे काफी। हाँ ये भी काफी कॉमन हो गया आपके पास, बाहर भी लगे, बाहर देख करके आते हैं, बाहर और भी अच्छे अच्छे कलर है। तो ये ग्रे कलर में है, ये व्हाइट, ये अच्छी लग रही है वैसे, ये इस पे अगर धूल मिट्टी भी आएगी ना तो जल्दी साफ हो जाएगी। गाइस कमेंट करके बताना हमको, तो ये वाला कलर पसंद आ रहा है मतलब मौसी को, क्योंकि इस कलर में क्या कर धूल मिट्टी भी जैसे आती है ना तो क्या धूल मिट्टी झड़ जाएगी, साफ हो जाएगा ये वाला कलर, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन नानी कह रही है ब्लू एंड ब्लैक नहीं लेना। नानी कह रही है कि ब्लू एंड ब्लैक नहीं लेना, ठीक है। इस वाली को हाँ, ये अच्छा लग रहा है, डिफरेंट कलर है, स्पेशल एडिशन है, स्पीकर्स भी आए हैं। हाँ ये स्पेशल एडिशन है ना, 6G का है, लेटेस्ट है, ये कलर अच्छा लग रहा है। हाँ कॉफी कलर ये ना स्पेशल एडिशन है ये। हाँ बैठ के दिखाओ, कोई नहीं ऐसे बैठ जाओ, गिरेगी तो नहीं, नहीं 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 खुशी देखो इनके चेहरे पे, सरप्राइज मिलने की खुशी देखो। ओए होए नहीं नहीं स्कूटी पे, हाँ बढ़िया एकदम, ये वाली डन करें फिर। तो भाई ऐसा है कि मौसी ने जो डन किया है, मौसी ने डन करा है कॉफी कलर, उनको ये वाला कलर पसंद आया। तो ठीक है अब जाके अंदर देखते हैं, फॉर्मेलिटीज वगैरह करते हैं कि कितने का पड़ने वाला है, क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा खुल के अगली वीडियो में। अभी तो हम पहले डिलीवरी ले ले यार, इसके आज खुशी का दिन है, पहले तो खुश होने तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो भाई पेमेंट वगैरह हो चुकी है, स्कूटी हो चुकी है फाइनल, हमने लिए स्पेशल एडिशन कॉफी कलर में। और नाना जी अब पेमेंट करने के जा रहे हैं घर पर, क्योंकि उनको थोड़ा सा घर पर भी काम है, हम लोग यहीं पर रुकने वाले शोरूम में, स्कूटी लेकर के ही घर पर जाएंगे। ओके नाना जी, बाय बाय, बाय, मिलते हैं आपसे घर पर, घर पर मिलते हैं, बाय बाय। हाँ भाई नई नई स्कूटी की मालकिन, मजे आ रहे हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, नई स्कूटी चलाएंगे, अब नई स्कूटी चलाएंगे, खुशी देख रहे हो चेहरे पे, अरे लाली छा गई। देखो तो मैं आपको शोरूम दिखा दूँ, मेरा शोरूम बहुत प्यारा है। तो कुछ ऐसा सा है शोरूम मथुरा का, ये डिस्प्ले में हमारे पास है बाइक
होंडा रैप्सन यार कुछ भी कहो बाइक एक नंबर है, बाइक बहुत प्यारी है। मेरी सबसे पहली बाइक थी होंडा रैप्सन, जो मैंने फर्स्ट बाइक ली थी वो यही ली थी। उसके बाद यहाँ पे और भी सारी काफ़ी बाइक्स हैं डिस्प्ले में, जैसे यहाँ पे SP125 है, अगेन हॉर्नेट ब्लू कलर, देन होंडा शाइन, देन CD100। शोरूम मतलब इन ऑल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लीन से मेंटेन किया गया, सारे सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखा गया, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से वेट करते हैं कि भाई कब हमारी स्कूटी डिलीवर होगी, स्कूटी हम डिलीवर मतलब डिलीवरी लेंगे और घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हवेलियांश क्या हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी ली, थोड़ी सी बच्ची है तो इसे कब पियोगे, घर जाके? फिर आज घर कैसे जाओगे, रिक्शे पे जाओगे, कैसे जाओगे, गाड़ी में जाओगे? हाँ इसको भी पता है, मम्मा के स्कूटर पे देख रहे हो। तो भाई फाइनली स्कूटी रेडी हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी देखने के लिए, देखते चलो कहाँ पे है स्कूटी। हाँ भाई स्कूटी तैयार हो गई आपकी, स्कूटी रेडी हो गई आपकी। तो भाई फाइनली स्कूटी ये रही, यहाँ पे स्कूटी तैयार है, ये देखो। तो वही फाइनली स्कूटी इनके हाथ में आ चुकी है, खुशी देखो इनके चेहरे पे। ये यहाँ पे इनको भी सिखाया जा रहा है, सारे फंक्शन वगैरह सिखाए जा रहे हैं। इस पे तुम नहीं खड़े हो पाओगे, हाँ तो वही चला के तो दिखाओ एक बार, काम आ रहे हो समझ लो, चलेंगे पहले स्कूटी से चला के दिखाओ, आप भी स्कूटी ऑन ऑन करके दिखाओ कैसे लग रहे हो। ये वाह अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने डिग्गी भी लगवा दी स्पेस के लिए, यहाँ पे स्पेस ना सही है, बढ़िया अच्छी लग रही है। तो भाई फाइनली स्कूटी की डिलीवरी ले ली और मौसी चल रही है स्कूटी पे, चलो चलो, और हम अपनी हसीना पे चल दिए। ये देखो नई स्कूटी लेके जा रही हैं ये। तो भाई चल दिए हम अपनी नई नई होंडा एक्टिवा लेके घर की, और रियांश जी बैठे हैं। अरे भाई रियांश को मैंने बोला आजा मेरी ऐसे बैठ जा KTM पे, भाई जी ने मना कर दिया कि नहीं हम तो मम्मी की नई नई स्कूटी पे ही बैठेंगे। तो छोटे से बच्चे को पता है कि नई गाड़ी है तो हम नई गाड़ी में बैठेंगे, चालाक हो रहे भाई, बच्चे भी चालाक हो रहे हैं। गाड़ी 6G हो सकती है तो बच्चे क्यों नहीं हो सकते, 7G 10G जनरेशन तो बढ़ी रही है इनकी भी, एडवांस हो रहे हैं कहीं। तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं और यहाँ पे हो रही है पूजा स्कूटी की, भाई देखो पूजा होना तो बनती है ना, जल चढ़ा जा रहा है, बढ़िया। फाइनली सत्या भी बन चुका है, पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, और ये देखो ये खेल रहा है डॉगी के साथ, ये देखो उसको बता रहे हैं कालू, ये बता रहा है कालू हमने नई स्कूटी लिया कालू, देख रहे हो बड़े धुवन छोटे धुवन पूजा करते हुए, और सबसे बड़े धुवन साइड में खड़े होकर देखते हुए। तो भाई पूजा की रस्म पूरी हो चुकी है यहाँ पे, तो बस इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी, बाय बाय। मैं दिखा दूंगा आपको स्कूटी और अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कूटी बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, अभी थोड़ा क्या थक गए आप, शक्ल देखिए जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, देख रहे हो सबको, सब पूजा पाठ करके तैयार है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, हाँ बाय बाय कर दो, बाय बाय, चलो ओके गाइस बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है।